ओके लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं और लिविंग कैरेक्टर्स में ग्रोथ को कंप्लीट कर चुके थे। ग्रोथ में एक्सेप्शन मिला, ग्रोथ में एक्सेप्शन मिलने से हम उसको नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में रख चुके थे। और आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। तो रिप्रोडक्शन में ये लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिमीन्स अगेन प्रोडक्शन फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन। तो लिविंग अपने जैसे ही अगली जनरेशन को तैयार करता है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है ये देखें, रिप्रोडक्शन री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, अपने तरह ही जीव तैयार करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जैसे ग्रोथ में देखा था कि एक्सेप्शन था, तो रिप्रोडक्शन में भी हमको एक्सेप्शन मिलेगा। और एक्सेप्शन क्या है इसको देखना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, तो देखा री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग में संतान ही होता है बच्चे पर करना, प्रोसेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज पैरेंट्स, अपने पैरेंट्स तरह ही संतान आती है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन बहुत पढ़े, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलर हाई ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो कॉम्प्लिकेटेड जिनकी है वो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं संतान को। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई एंड एल्गी, टेंथ में हम पढ़ के आए हैं, फंजाई में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, ये स्पोरेंजिया फंजाई स्पोर्स और बहुत संख्या में स्पोर्स बनते हैं और क्विक मल्टीप्लीकेशन होता है, नई संतानें जल्दी तैयार होती हैं। एल्गी में भी स्पोर्स मिलते हैं, जू स्पोर्स मिलते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा टेंथ में पढ़ के आए हैं, बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा ये देखे हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन टूट जाना, टेंथ में हम स्पायरोगायरा की बात किए थे, स्पायरोगायरा टूट जितने पार्ट में टूट जाता है नया जनरेशन तैयार कर देता है। देखिए फिलामेंटस एल्गी स्पायरोगायरा इसमें आएगा, फंजाई फंजाई का पूरा थैलस जिसे माइसीलियम हार्टी कहते हैं, एंड मास का प्रोटोनिमा, जब हम ब्रायोफाइटा में जाते हैं तो वहां पर हमको प्रोटोनिमा मिलता है, स्पोर जर्मिनेशन करके ये प्रोटोनिमा, तो प्रोटोनिमा फिलामेंटस उससे न्यू जर्मिनेशन तैयार होती है, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन या प्रोपेगेशन कहलाएगी। रीजनरेशन में तो क्या है, ट्वेल्थ में भी है, टेंथ में भी है, इलेवेंथ में है, कि पूरा हमसे बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गलती करते हैं कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। ओके, इसे फ्लैट बार कहते हैं। इसके अलावा लिजर्ड स्टारफिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें सब में क्या है रीजनरेशन है। अब कुछ यूनिसेलर ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ सेल डिवीजन से हो जाती है, जब यूनिसेलर आदमी है तो उनमें ग्रोथ साइज तो बढ़ने, तो डिवीजन से सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर लेते हैं और अपनी संख्या भी बढ़ा लेते हैं, रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। तो देखिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एल्गी एंड अमीबा रिप्रोड्यूस बाय इन द नंबर ऑफ सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन दैट इज ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ भी हो रही है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो ये देखें इतना तो पढ़े, इसकी मीनिंग क्या पढ़ने का,
पढ़ने की मीनिंग जिस पर हम जा रहे थे, जिसको हम पढ़ने जा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इधर है, रिसेप्शन। हम तो देख रहे हैं रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन करते ही हैं, लिविंग रिप्रोडक्शन तो करते ही हैं, लेकिन हम इधर देख रहे हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन देखिए, सम आर लाइक न्यूज, जैसे खच्चर कहते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं करता। जैसे देखिए, बच्चे पैदा करना तो हम पढ़ रहे हैं, चाहे एसेक्सुअल चाहे सेक्सुअल हो, आगे जनरेशन के लिए बच्चे पैदा करें, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके आप इसलिए तैयार ही होंगी, लेकिन न्यूज की नहीं होगी। तो जब न्यूज की नहीं, तो क्या लिविंग नहीं है? है तो लिविंग ही है, एक्सेप्शन ना, ये एक्सेप्शन है। इसराइल बर्कर हनी बीज, तो हनी बीज यानी बीज जितनी भी हैं, वो जो नेक्टर लाती है, फ्लावर से शहद लाती है, काम करती हैं, वो भी बच्चे पैदा नहीं करती हैं, क्वीन पैदा करती है। पढ़ा है आपने छोटी छोटी कहानियों में, स्टोरी में देखा, क्वीन क्या होती है? फीमेल दो एग देती है, और बर्कर क्या करती है? वो उसके लिए फूड लाती है। तो बर्कर भी कैसी है? इसराइल। इन फर्टाइल ह्यूमन कपल, यदि मान ह्यूमन कपल है, उसे बच्चे ही नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग तो है। तो फिर उसको एक्सेप्शन में रखें कि रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी संतान नहीं पैदा कर सकते, उनको भी तो लिविंग कहते हैं। तो फुली डिफाइंड करेक्टर नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग करेक्टर, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इंटरसेक्स ह्यूमन सेक्टर डाई नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये तो एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन, इसलिए नॉट डिफाइनिंग करेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिए। तो नीट में या कंपटीशन, कोई जरूरी नीट ही हो, कोई भी कंपटीशन हो, ट्वेल्थ लेवल की साइंस आनी ही आनी है, चाहे आईएएस हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जैसा हो, सभी में ये काम करेगा। ये क्वेश्चन डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ये देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ा, अगले लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कंप्लीट हो गया, अब डिफाइनिंग कैरेक्टर आगे लेक्चर में देखते हैं।